फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अब्दुल हफीज। आप देख रहे हैं टेक्निकल जोजो। इस टेक्निकल जोजो में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकोन के कैमरे के बारे में। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करके दिखाएंगे आपको किस तरह से एसेसरीज निकोन के कैमरे में मिलते हैं, किस तरह से क्वालिटी होती है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया तो साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जैसे ही हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम निकोन कैमरा रिव्यू करेंगे। अनबॉक्सिंग तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसे बहुत मरतबा यूज़ कर चुका हूं, इसलिए आपको एक छोटा सा मैं रिव्यू देना चाहता हूं कि निकोन के कैमरे में आपको के एसेसरीज मिलती है। यहां पर आपको 2 मंथ वारंटी मिलती है। चलिए, हम 2 ईयर्स वारंटी मिल जाती है इसके साथ। यहां पर आपको एक CD मिल जाती है। यहां पर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आप डाल के इसके फीचर्स को किस तरह से क्या करना है, किस तरह से मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर आपको इसके गाइड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलता है मैं आपको दिखा दूंगा। क्या आप पहले इस केबल से आप अपने TV में लगाकर अपने फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जर विद इसका चार्जर केबल आप कंप्यूटर को भी ला सकते हैं इस चार्जर को लेकर। तो यहाँ पर 2 एक्सेसरी इसके बाजू रखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक हैंड ये मिल जाता है, यहाँ पर बैटरी और यहाँ पर कैमरा। यहाँ पर आपको सैंडिक्स की 8 GB मिल जाती है। मैं आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये सैंडिक्स की है पर आप देख सकते हैं ये। यहाँ पर एक हमें बैटरी मिल जाती है। बैटरी का MAH आपको मैं बता दूँगा कि 700 mAh है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मीडियम चाइना है। यहाँ पर इसको भी हम बाजू रख देते हैं सब चीज़ों को। यहाँ पर तो हम बात करेंगे इस कैमरे के बारे में, तो इस कैमरे की क्वालिटी कैसी है क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। पर इसको मैं कैमरा निकाल लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी पर, ये रहा कैमरा, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका कलर है। इसका 20 MP है और 5 MP जूम कर सकते हैं। सीन ऑटो सेलेक्ट, मतलब आप ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्विक इफेक्ट्स, कोल्ड पिक्स, यहाँ पर आपको फ्लैश मिल जाएगा। यहाँ पर जूम आउट, जूम इन बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हाफ और ऑन का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर लेंस है। यहाँ पर आप कोई भी दूर की फ़ोटो का आप सामने सकते हैं, मतलब क्लिक कर सकते हैं। मैं इसमें चिप और डाल लूँगा। यहाँ पर आप इसको अनलॉक करके यहाँ पर आप पहले अपनी बैटरी डाल दें। ये बैटरी डाल दिया मैंने यहाँ पर, इसकी आप चिप भी डाल दें। इसको फिर से लॉक कर दें, इसको ऑन कर लें। यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मैं आपको अभी लाइव एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर आप मेन्यू बटन पर जाकर कितनी, मतलब 20 MP हो या आप इसको सेट कर सकते हैं 10 MP, 4 MP। आप इस तरह से अपने हिसाब से आप 20 MP, 4 MP आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, उसकी पिक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरी क्वालिटी के साथ 20 MP रख दूँगा। यहाँ पर आप मैं कैमरा लूँगा। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इंस्टेंट का एक पहले ऑटो फोकस होगा, उसके बाद दूसरी मरतबा क्लिक होने के बाद इस तरह से फ्लैश करके ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं इसको जूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसका एक आपको रियल पिक दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेंस है आपके इस कैमरे के। फूल अच्छा तो है कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहे तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये कैमरा ख़रीद सकते हैं। गाइस, हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें गाइस। और हम आपको कोई भी अगर चीज़ जानना हो, अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।